गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं मसूरी पहुंच चुका हूं कि मेरे फ्रेंड का आज बर्थडे है, तो आज अच्छा खासा एंजॉय करेंगे। मसूरी में आप देख रहे हो कोरा ही कोरा है। अभिषेक भाई, यो भाई, यो कुछ मौसम के बारे में। मौसम बहुत सुहाना है, बोल बिल्कुल मजा आ रहा है, मतलब बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है ना, मतलब मसूरी में कमाल का मजा आ रहा है, बहुत कमाल का। और यहाँ पे क्या मतलब आपको क्या लग रहा है? डिफरेंस है ब्रो, कोरा देखो जरा, कोरा कोरा का फर्क है, कोरे ही कोरे में है आज। तो अभिषेक भाई के साथ है, तो अभिषेक अभी क्या प्लान है फिर भाई? अभी प्लान है जाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, है ना, थोड़ा। और ये बारिश कैसी लग रही है आपको, जो धीरे धीरे पड़ रही है, मतलब हल्की हल्की सी, नाजुक नाजुक सी जो, अरे हाय भाई, ये तो बिगा देगी थोड़ा देर में, बिगा देगी। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, ओस की बूंदे जो गिर रही है कमाल। तो चलते हैं फिर आगे मसूरी माल रोड पे, चलेंगे चलेंगे भाई। समय और समय कोरा ही कोरा हो रहा है, बहुत भयंकर कोरा हो रहा है समय। तो अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, आशीर्वाद की तरफ। चलोगे? हाँ। साठ दिन चलते हैं। रूम दिखा दो जरा पहले। साठ दिन साठ साठ हैं? चार दिन। उल्लास। बेड में से कुछ दिखा दे। तो ये हमारा रूम है कुछ ऐसा कि यहाँ पे हम सब लोग आ सकते हैं आराम से, और मुझे तो काफी सही लग रहा है रूम, ठीक है, अच्छा है। बाहर कोरा ही कोरा है एकदम एकदम बिल्कुल, देखो आप देख सकते हैं, हाय मतलब एक तरफा लग रहा है। आओ भाई साहब, एक तरफा रूम लग रहा है, मजा आ चुका है यहाँ पे। तो मैं कह रहा यही ले लो, एक ही ले पाएंगे ना, एक सत्रह ऐसा नहीं होगा जैसे इसी के पीछे एक रूम हो, मतलब जैसे वो नीचे था, वही देखते हैं क्या होता है, पूछते हैं पहले। स्विमिंग पूल देखते हैं एक बार। हाँ स्विमिंग पूल एक नहीं, नहीं है ना, गहरा गहरा तो चाहिए, बिल्कुल गहरा ही है, डूब जाऊंगा जाओ डुबकी मार देता है। ठीक है, पार्टी पार्टी यहाँ डाल देंगे, पूछ लो एक बार कितना रेट कैसा। सुन तो, वो कितने का बता रहा हूँ मैं, व्यू वाला 35 पहुंच चुका हूं मैं अपने रूम में। अमन और मैं आज यहां पे सोएंगे आराम से, बाकी अभिषेक और सब लोग वहां पे जाएंगे। तो अमन भाई कैसा लग रहा है रूम? भाई साहब काफी रेड एक तरफा, और अभी तो हम स्विमिंग पूल में जाके आग लगाने वाले, आग दो नंबर आग लगाएंगे स्विमिंग पूल जाके, और स्विमिंग पूल में तो कोई मजा ही आ जाएगा यार, चिल्ड पानी हो रहा है एकदम चिल्ड, बहुत ही ज्यादा अति सुंदर अति सुंदर। कोहरा आ रहा है इस समय, और इस समय मतलब मौसम अलग ही हो रहा है मसूरी का, बेस्ट। ये देखो ना पीछे का व्यू क्या मस्त है, मजा ही आ गया, मतलब एक अलग ही लेवल का, एकदम व्हाइट लग रहा है, अगर कुछ नहीं दिख रहा, फॉग ही फॉग है पीछे। और चिकन हमारा बन चुका है, और भी मजा आएगा, चिकन मटन, चिकन मटन लेके आ रखे हैं, वो अभी चिकन आने वाला है हमारा, चिकन अभी खाएंगे फिर रात को मटन खाएंगे। माजा कैसी है माजा का टेस्ट? बढ़िया भाई की, मतलब माजा मतलब फ्लेवर है, मतलब भाई को मजा एक तरफ का मजा आता है भाई को। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब इस रूम का जो है ना वो मेनली व्यू है, और व्यू जो इतना प्यारा है ना, अल्टीमेट व्यू है, मतलब एकदम फॉगी फॉग है इधर, और रूम भी बहुत मस्त है। चलो तो फाइनली गाइस अभी स्विमिंग पूल जा रहे हैं, तो स्विमिंग पूल एक तरफा मजा आने वाला है, तो मतलब एक तरफा मतलब ऐसा ना, मतलब पर तो तबाही बचा देंगे, मतलब ना मतलब पूरे पैसे पूरे के पूरे वैसे पैसे ना वसूल कर देंगे, और एक तरफा यार। तो गाइस मसूरी का व्यू देहरादून के दिल वाले, देहरादून में मिलते हैं।
Now इधर लाओ. Now we are going to a swimming pool. And that's our way. And we are go. Go. Yes. आप देख रहे हो कि स्विमिंग पूल से इतना मसूरी में इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है, इतना ज्यादा ठंडा ना, मतलब मैं क्या होता हूँ आपको कि आग ऐसी हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है, इतना ठंडा पानी में कभी बहुत ही ज्यादा ठंडा है. मेरे तो बिल्कुल ना था, मुझे स्विमिंग आती है और पानी इतना ज्यादा ठंडा ना, बहुत ज्यादा. कैंपटी फॉल का तो कुछ भी नहीं है, कैंपटी फॉल तो सामने जीरो है, जीरो. ये देखो आप मेरा स्विमिंग पूल, मेरा ये है मेरा स्विमिंग पूल, ये मैंने खरीद लिया था रात को. और ये यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके के तैराक है, इस तैराक ये तैराक है यहाँ प्रोफेशनल वाले, इसका नाम है अभिषेक बिस्ट सुजल ठाकुर, सारे प्रोफेशनल प्रोफेशनल. ये इतना महंगा तैराक है कि ये वहां का 50 फुट के अंदर घुस के भी इंसान को निकाल दे. भाई इसका बोलू कुछ और सॉरी ट्रोल मैम, वी आर इन मसूरी. अरे मैं बना रहे ना, साफ चलो भाई साफ रूप में पहुंच चुके हैं, अलग ही मजा आ रहा है मसूरी में और अलग ही धूप हो रही है. आए हाय एक तरफा
एक तरफा मौसम हो रहा है, मतलब आप देख रहे हो गाइस कितना अल्टीमेट मौसम हो रहा है, मतलब लग रहा है कि मतलब आ रखे हैं मसूरी में। बहुत अच्छा होटल है इस समय ये जहाँ आ रखे हैं, आशीर्वाद होटल में। और एक तरफा और मज़ा आ रहा है, मतलब एक तरफा मज़ा आ रहा है यार, मतलब क्या बताएं आपको। एक और धूप इस समय ऐसी पड़ रही है ना, आँखों आँखों में वार हो गया, आँखों आँखों में इशारे हो गए, अभिषेक के भाई के चार हो गए। आलोक भाई धोती पहन के आ रखे हैं, भाई भी धोती पहन रखी है, छोटे भाई ने भी धोती पहनी हुई है, धोती वाले हम, धोती वाले। घंटाघर की रोड पे है अभी हम, घंटाघर की बैल बजती है यहाँ पे एक घंटे बाद कम से कम। पीछे मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, ये है मिस्टर सुजल सिंघानिया और ये है मिस्टर सिंघानिया। बिंदी तो हटा के आपने, बिंदी भाई की शादी हो रखी है, बिंदी बिंदी का नाम है ना, निकाल दी ये भाई की शादी हो रखी है, इसका जेंडर जेंडर चेंज है इसका, मेरे भाई का जेंडर चेंज है। बिंदी दिख रही है, कौन है, कौन है, हमें तो कुछ दिखने का, हमें नहीं दिखना चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए। भाई का जेंडर चेंज है, बिंदी लगा रखी है भाई ने। ब्रो अब हम चल चुके हैं, और ये आलोक भाई और ये साथ में और तीन चार जन, मास मुस सब लगा लो, नहीं तो चलान कट जाएगा मसूरी रोड पे। ये हमारा क्लॉक टावर, ये है क्लॉक टावर, घंटाघर इसको बोलते हैं, घंटाघर। ये देखो यहाँ पे तो था चलान, ये हमारा चलान हुआ था एक बार, यहीं तो हुआ था गाड़ी चलाते हुए ना, यहीं से गाड़ी लेके आ रहे थे हम एक बार, हम ट्रिपलिंग कर रहे थे, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, अभिषेक की भाई की गाड़ी थी पंचर हो चुकी थी, तो उस समय हम आए थे और हमारे चलान कट चुका था 500 रुपये का, और काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ हो चुकी है माल रोड पे, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे टूरिस्ट। और ये पीछे जा रहा है धूम 3 का हीरो जा रहा है सामने, ये देखो आवाज सुन सकते हो, धूम 4 के लिए सिलेक्ट है बंदा एकदम, इसी के नाम में बनने वाली है, हाँ इसी के नाम बनने वाली धूम 4 है भाई, यही आएगा देखो नंबर इसका। एक तरफा गाड़ी चला रहा भाई, देखो बैंक रेस भी बैंक कर दे रहा है एकदम हाई पूसा वाली। सुजल भाई, सुजल ठाकुर से समय चढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ी जा रही है, क्या बोल रहा भाई आप, क्या क्या घट चुकी है, देखिए अगर आओ तो अपनी रिस्क पे आओ, सांस खुल जाएगी, सुल्फ और सिगरेट वाले तो बिल्कुल ना आए, मेरे वैसे साफ मना है और गड्ढे मारा गिरे। तो भाई साहब गाड़ी आ रही है, रुक जाओ भाई, हाँ भाई पीछे लोग क्या कहना, अभी तो पीनी ही पड़ेगी तभी मन चलेगा। अभी से एक बोल रहा कि कंधे का सारा चीज है सारा, अभी अमन का सारा चीज है, अमन का सारा चीज है लाइफ में, मतलब मजा आ रहा है चढ़ाई चढ़ के ना, चढ़ाई चढ़ के मजा आ रहा है, गांड फट चुकी है बिल्कुल एक तरफा, आ रहा है ना लौटने मजा आ रहा है, नहीं भैया गुब्बारा नहीं यार, नहीं नहीं कुत्ता नहीं काटेगा तुम्हें, कुत्ते की टेंशन नहीं, इधर आओ, कुत्ते सब पालतू अपने, कुत्ते सब सब अपने ही पाले हुए हैं। मसूरी का सबसे बेस्ट क्लब है ये, और एक तरफा गाने चल रहे हैं यहाँ पे, और मजा आ रहा है रात को, मजा आएगा यहाँ पे एक तरफा ना, और एक तरफा मजा आने वाला है यहाँ पे, आने पैसे करने पड़ेंगे रात के लिए 2000 रुपए। समय केक काटना है तो यहाँ पे इतनी बकचोदी चल रही है भाई साहब, मैं तो एक तरफा ये बोल रहे हैं कि 700 रुपए दो केक काटने के, पर इस वाली टेबल में
तो भाई जी गलत है इस समय, मतलब ये होटल जो है, मतलब हमने 6-7 हज़ार रुपये यहाँ दे दिए हैं, एडवांस जमा करा दिए, तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई जी 6 आप यहाँ 700 रुपये दो तब जाके यहाँ केक काटोगे, मतलब यार ऐसी कोई बात है क्या? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हाँ काटो, हाँ काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू, फाइनली गाइस बर्थडे बन चुका है और केक कट चुका है इस समय, मतलब अल्टीमेट मजा आ रहा है केक खाके। तो केक का जो फ्लेवर था इस समय क्या था, केक का फ्लेवर क्या था, कौन सा फ्लेवर था केक का है भाई है? अमन कौन सा फ्लेवर था केक का? पाइनएप्पल भाई साहब, पाइनएप्पल फ्लेवर था। और भाई एक तरफ भाई केक सच्ची था बढ़िया एकदम, मतलब एक तरफा मतलब ना, मतलब मजा तो आया। रात के समय सिर्फ 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम स्विमिंग पूल के अंदर हैं और इसमें मजा आने वाला है और पानी टपक रहा है, टप 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 टप। मेरे भाई अमन के साथ एक दफा मजा आ चुका है नहाने में, मतलब अल्टीमेट मजा आ रहा है। तो भाई टेम्परेचर बताओ कितना हो रहा है, फोन में देखो ना, फोन में देखो गाइस, अभी हम बता ही सकते कितना हो रहा है टेम्परेचर, मतलब एक तरफा टेम्परेचर भाई साहब, बहुत मजा आ गया लाइफ का, बहुत मजा। रात के दो बजे स्विमिंग पूल के अंदर तो गाइस एक तरफा मजा आ चुका स्विमिंग पूल में और मतलब एक तरफा एंजॉय कर रहा है। रात के दो बजे माल रोड पे स्विमिंग पूल के अंदर, मतलब अलग ही हो रहा, मतलब नेक्स्ट लेवल बच्चा बन चुका है इस समय, नेक्स्ट लेवल ना। और भाई साहब अभी तो नहाना है और पानी में घुसना है और डुबकिया मारनी है करके टिंग 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 करके। तो अभिषेक साथ में, ठीक है, सुजल साथ में और अमन और आलोक, ठीक है, और साथ में किरण साथ में। तो बर्थडे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मतलब एक तरफा बर्थडे गया जरा, मतलब हमारा लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे गया है इस समय और स्विमिंग पूल के अंदर। तो होटल वाले थोड़े अजीब से थे, कोई बात नहीं, वो तो होता है यार, वो सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे वो चलाना और हम लोकल जरा भूल गए, हमारे सामने कहाँ चल रही यार उसकी। और ये पीछे स्विमिंग पूल देखो, रात के 2 बजे स्विमिंग पूल खुलवा दे तुम्हारे भाई ने, रात के 2 बजे स्विमिंग पूल तुम्हारे भाई ने खुलवा दिया और मतलब मजा आ रहा है यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, इस समय सुबह हो चुकी है, मतलब आपके इस समय 8 बज चुके हैं। काफ़ी रात को एंजॉय करा, बर्थडे पार्टी अच्छी थी और काफ़ी मज़ा आया बर्थडे में। और अभी एक तरफा मौसम हो रहा है, मतलब मसूरी में समय बहुत ही ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है और ऐसा है समय मौसम। तो होपफुली गाइस चलते हैं अब घर की तरफ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच, फिर अगली बार मिलते हैं इससे भी अच्छी जगह और वहाँ पे करेंगे मस्ती बढ़िया।